हेलो दोस्तों, मैं हूं कंचन शर्मा और आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फोर्ज लवर्स में। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं इंडो चाइनीज़ मशरूम चिल्ली की रेसिपी, जिसे भारत में भी काफ़ी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। आप इस डिश को स्टार्टर के तौर पर सर्व कर सकते हैं। ये बच्चे हो या बड़े, सभी को बहुत ही पसंद आती है। इसे आप फ्राइड राइस या नूडल्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम मशरूम ली है, जिसे मैंने अच्छे से धोकर साफ कर ली हूँ। तो अब हम इसे काट कर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से बड़े बड़े पीसेस को इस तरह से हाफ में कट कर लेंगे, और जो छोटे साइज के उसे ऐसे ही हम रहने देंगे। तो देखिए, बिल्कुल इस तरह से हम इसे काट कर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारा जो मशरूम है कट कर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर हम एक बाउल में लेंगे 3 बड़े चम्मच मैदा और 3 बड़े चम्मच ही हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लेंगे। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अब हम यहाँ पर डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे डार्क सोया सॉस। अब हम इसमें पानी डालेंगे ज़रूरत के अनुसार और इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें इसे मिक्स करके घोल तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वाटर और डाल रहे हैं और हम इस पर फिर से मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से, जब तक कि एक चिकना घोल ना बन जाए। ध्यान रहे इसमें कोई लम्स ना रहे, गुठली ना रहे। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक चिकना सा घोल बनाकर तैयार कर लेनी है। तो देखिए, बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए। तब हम इसमें डालेंगे हमारा कटा हुआ मशरूम। तो अब यहाँ पर हम इसे डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं, जब तक कि हमारी घोल की कोटिंग अच्छे से मशरूम के ऊपर ना चढ़ जाए। तो देखिए, हम इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमारा जो मशरूम अच्छे से मिक्स हो चुके है। अब हम इसे फ्राई करने की प्रोसेस में जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पहले से ही ऑयल गर्म होने रख दी थी। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारा एक एक करके मशरूम और इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, हमें इस तरह से डाल लेनी है। तो एक बार में जितने मशरूम आ जाएंगे हम उस तरह से डालकर इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा गैस का फ्लेम है वो हाई है, क्योंकि हमारा जो मशरूम है खूब सारा पानी छोड़ने लगती है। तो हम इसे मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, इसे हाई फ्लेम पे ही फ्राई करनी है, नहीं तो हमारा जो मशरूम है पानी छोड़ना शुरू कर देगा। तो देखिए, हमारा जो मशरूम है एक साइड से अच्छा कलर आ चुका है, तो हम इसे पलट कर दूसरी ओर से भी पका लेंगे। यहाँ पर हमने मशरूम की कोटिंग के लिए मैदे के घोल में सोया सॉस डाली थी, जिस कारण से हमारे मशरूम के ऊपर काफ़ी अच्छा कलर आया है। तो देखिए, ये फ्राई हो चुके हैं, तब हम इसे निकाल लेते हैं। और इसी तरह से हम बचे हुए मशरूम को भी फ्राई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बचा हुआ दूसरा भी डाल देते हैं मशरूम। तो ध्यान रहे, हमारा जो मशरूम है खूब सारा पानी रहता है, जिस कारण से वो छिटक भी सकती है। तो देखिए, इस तरह से हम डाल देंगे और इसे भी इस तरह से सुनहरा होने तक उलट पलट के पका कर निकाल लेंगे। तो देखिए, ये भी फ्राई हो चुके हैं, तब हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मशरूम है फ्राई होकर तैयार हो चुका है। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल डालकर गर्म होने रख दिए हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे 5 से 6 कटी हुई बारीक लहसुन की कलियाँ और 1 हरी मिर्च, जिसे हमने इस तरह से लंबे स्लाइसेस में कट की हुई, और 1 छोटी साइज की शिमला मिर्च कटी हुई और 1 कटी हुई प्याज इस तरह से। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर कटी हुई लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे और इसे हम 1 मिनट के लिए सॉटे करेंगे, जब तक कि हमारा जो गार्लिक और मिर्च का फ्लेवर ऑयल में अच्छे से ना आ जाए। तो देखिए, हम बस इस तरह से इसे 1 मिनट के लिए सॉटे कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा कटा हुआ प्याज और शिमला मिर्च। तो इस तरह से इसे भी डालकर हम सॉटे कर लेंगे। हाई फ्लेम पे हमें यहाँ सब्जियों को कुक करना है, हमें यहाँ पर सब्जियों को लो फ्लेम पे कुक नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो चिल्ली में सब्जियाँ जो होती है क्रंची होती हैं, अगर हम लो फ्लेम पे कुक करेंगे तो हमारी जो सब्जियाँ सॉफ्ट हो जाएगी। तो हमें इसे हाई फ्लेम पर ही इस तरह से चला लेनी है। तो हम यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे इसे हाई फ्लेम पे ही। अब हम यहाँ पर डालेंगे हमारा सॉस।
तो यहाँ पर हम लेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस और यहाँ पर 1 टेबल स्पून हम डालेंगे डार्क सोया सॉस। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप। अब यहाँ पर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो ध्यान रहे, नमक हमने पहले भी डाला था तो उसी अकॉर्डिंग हमें डालनी है और इन सभी चीज़ों को सॉस के साथ अच्छे से मिक्स कर देनी है। अब हम यहाँ पर 1 टेस्पून वेनेगर डालेंगे एक खट्टी मीठी फ्लेवर के लिए, तो इसे भी हम डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम यहाँ पर एक बाउल में लेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अब इसमें हम डालेंगे ज़रूरत के अनुसार पानी। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इस तरह से एक चिकना सा घोल बना लेंगे। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रही है तो मैं और डाल देती हूँ। तो यहाँ पर हमने टोटल 1/4 कप पानी ऐड किया है। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुके, तो अब हम इसे भी डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम लो फ्लेम पे इस तरह से 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए हमने पका लिया और इसमें कितना अच्छा सा कलर भी आया है। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे हमारा फ्राई किया हुआ मशरूम और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ग्रेवी के साथ, जब तक कि हमारी जो ग्रेवी का कोटिंग हमारे मशरूम के ऊपर अच्छे से ना चढ़ जाए। तो देखिए हमें इस तरह से इसे मिलाते हुए मिक्स कर लेनी है। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अब हम इसे इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा सेसमी सीड्स, जिससे दिखने में और भी खूबसूरत लगेगी। तो लीजिए दोस्तों, आज की हमारी ये टेस्टी और डिलीशियस मशरूम चिल्ली की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।